दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने ये बताया था कि एमसीडी करोलबाग के अंदर बैंक स्ट्रीट के ऊपर एक दो स्कूल नगर निगम के चल रहे हैं। उन दो स्कूलों को ख़त्म करके वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट ला रही है। उस समय हमने आपको एक स्कूल के बारे में बताया था। अब आज मैं आपके सामने जानकारी रख रहा हूँ कि करोलबाग के अंदर ही एक और स्कूल है जिसको जिसकी ज़मीन को एमसीडी नीलाम कर रही है, जिसकी ज़मीन को एमसीडी बेच रही है, और उस ज़मीन को भी बेचकर वो वहाँ पर एक और मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट ला रही है। उस दिन जो मैंने आपको बताया था वो था अजमल खां रोड के बारे में। ये मेरे पास इनका टेंडर डॉक्यूमेंट है जो एमसीडी ने टेंडर निकाला था। इस टेंडर के अंदर, इस डॉक्यूमेंट में ये पता लग रहा है कि इसी टेंडर के अंदर इन्होंने चार लोकेशंस के लिए टेंडर छोड़ा था पार्किंग बनाने के लिए। सबसे नंबर एक जो अजमल खां रोड है जो आपको हमने उस दिन बताया, इसमें 175 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर छोड़ा है। दूसरा एक ओल्ड लाइन नगर पे एक जगह है जिसको इन्होंने 168 करोड़ रुपए में टेंडर छोड़ा है। और तीसरा एक शास्त्री पार्क करके जगह है जिसका 195 करोड़ रुपए का टेंडर इन्होंने छोड़ा है। और चौथा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक और जगह पे ये स्कूल की ज़मीन को बेच रहे हैं, वो है पूसा लेन के नाम से, जहाँ पर 148 करोड़ का टेंडर इन्होंने छोड़ा है। तो ये जो पूसा लेन के नाम से जो ये टेंडर का जो नेम ऑफ वर्क है, इस जगह के ऊपर एमसीडी का स्कूल है और ये लगभग 6,000 स्क्वायर मीटर की जगह है। 6,000 स्क्वायर मीटर में ये स्कूल है और ये स्कूल आज की डेट में भी चल रहा है। इन्होंने क्या किया है कि 6,000 स्क्वायर मीटर की जगह में से 3,500 स्क्वायर मीटर की जगह वो स्कूल से लेकर उस ज़मीन को अलग दिखाकर और उस ज़मीन के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग का जो है बनाने का जो है इन्होंने ठेका जो है छोड़ा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि ये स्कूल पे तो हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये स्कूल बंद हो गया है, यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चों को हमने शिफ्ट कर दिया है, या अब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए हैं नहीं, तो उसके ऊपर ये बात जो है ये कितनी साफ साबित होती है कि इनकी मंशा जो है वो बच्चों की देखभाल का या उनका हो या होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता इनको। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, पूसा लेन का, जहाँ जो नेम ऑफ वर्क में नाम लिखा हुआ है, इस स्कूल में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलते हुए स्कूल के अंदर से आधी ज़मीन को निकाल कर उस ज़मीन को बेच कर ये पार्किंग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि एमसीडी अब इस हद तक आ गई है कि जहाँ जिस जगह के ऊपर एक नई बिल्डिंग बन सकती थी, जिस जगह पे कोई नया लैब बन सकता था बच्चों के लिए, जिस जगह पे लाइब्रेरी बन सकती थी बच्चों के लिए, ये सब काम ना करते हुए स्कूल में चलते हुए स्कूल से ज़मीन लेकर स्कूल की ज़मीन को कम करके वहाँ पर पार्किंग प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ये एक विषय जो है आपके सामने रखना था। दूसरा, जो इन्होंने ये टेंडर निकाला है, चार लोकेशन के लिए टेंडर निकाला है इन्होंने, जैसा हमने बताया आपको, दो उसमें से ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल्स को ख़त्म करके या उसकी ज़मीन को बेचकर पार्किंग ला रहे हैं। एक जो इन चार लोकेशन में से एक जगह का जहां पर बिडर आया है इनके पास, जिसका ये वर्क अवार्ड अभी करने वाले हैं, जिसको आदमी का इन्होंने फाइनेंशियल बिड इसकी खोल दी है और जिसका ये जल्दी इनकी इसको अवार्ड करने की तैयारी है, जिस आदमी को ये ठेका दे रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ओमेक्स, ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, इस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है। और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अखबारों की कटिंग्स हैं ये इसके अंदर, और साथ में ये टेंडर की कॉपी भी है। इस टेंडर की कॉपी के हिसाब से जो भी आदमी इस बिड को एक्सेप्ट करेगा वो किसी भी तरह से कहीं भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
उसने कोई चोरी नहीं की होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस आदमी को ये ठेका दिया जा रहा है ओमेक्स कंपनी वाले को, उसके ऊपर दिल्ली और एनसीआर के अंदर, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पंजाब तक जो है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर जो है जुर्माना लगा रखा है और उसके ऊपर इस कंपनी के ऊपर केस रजिस्टर है, करोड़ों रुपए की इसकी देनदारी है और जिसकी वजह से अलग अलग गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस बना रखा है। और ये सारी हेडलाइंस जो है अखबार की मैं आपको दूंगा, इसके अंदर अलग अलग केसेस के अंदर ये बताया गया है। और इसी के अंदर एक एक खबर ये भी है कि ये ओमेक्स कंपनी के दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के ऊपर भी जो है फौजरी का केस कर रखा है। मतलब एक कंपनी जो पूरी तरह से डिफॉल्ट पे चल रही है, एक कंपनी जिसके दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ने आपस में झगड़ा है और एक ने दूसरे पे केस कर रखा है, उस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है। ऐसी आनन फानन के अंदर ये काम किया जा रहा है, पूरी तरह से साठगांठ से ये काम किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको बस किसी भी तरह से, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि अंडर टेबल पेमेंट इस कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ ली है, जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टर से अंडर टेबल पैसे ले लिए हैं और अब ये किसी भी तरह से इस आदमी को ये काम देना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो डिफॉल्टर है, ये जानते हुए भी कि वो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेने का, उसके बाद भी इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो अजमेरा रोड का की जगह जिस पे इस कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया जा रहा है, ये जगह 4115 स्क्वायर मीटर की है। आप जानते हैं कि इसको इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐसा बताया हमने कि 175 करोड़ के अंदर ये ठेका दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि करोल बाग जो है कितनी महंगी जगह है, अगर 50 गज की भी आप दुकान लेने जाएंगे तो वो करोड़ों से कम नहीं है। और ऐसी जगह के अंदर इतनी प्राइम लोकेशन में इतना बड़ा एरिया, 4115 स्क्वायर मीटर की जगह को सिर्फ 175 करोड़ के अंदर जो है दिया जा रहा है, 90 साल की लीज के लिए दिया जा रहा है। यानी 90 साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 90 साल तक सरकार का या डिपार्टमेंट का वहां से जो है कोई लेना देना नहीं होगा, उसके बाद मालिक जो है ये कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। और हमारे पास ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं जहां पर जब 90 साल के लिए किसी को कोई जगह लीज पे दी जाती है तो उसके बाद सरकार जब अपनी जगह को वापस लेने जाती है तो वो लिटिगेशन में जाता है, मामला कोर्ट में चले जाता है, वो आदमी उस जगह को कभी नहीं छोड़ता है। हमारे ही इलाके के अंदर पचकुया रोड के ऊपर एक जगह है जो सरकार ने एक आदमी को लीज पे दी थी, प्राइम लोकेशन जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके साथ में ही वो जगह है, उस जगह को 90 साल की लीज पे दिया गया था और आज सरकार जो है कोर्ट के धक्के खा रही है, लेकिन वो आदमी जो है उसने उसकी सब लीज करके आगे जगह दे दी है और वो जगह सरकार खाली नहीं कर पा रही है। तो एक तो इतनी प्राइम लोकेशन में इतनी महंगी जगह को इतने कम जो है औने पौने दाम में दिया जा रहा है और 90 साल के लिए जगह देकर उस कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह से मालिक बनाया जा रहा है, क्योंकि इस टेंडर में इन्होंने प्रोविजन रखा है कि इस जगह को फ्री होल्ड करके दे रहे हैं। और फ्री होल्ड का मतलब ये है कि उसके बाद वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को आप रोक नहीं सकते हैं। अगर एक आम आदमी अगर अपने मकान को फ्री होल्ड करने जाए ना आज, तो उसकी जूतियां घिस जाती हैं, लेकिन कभी उसका उसका घर मकान जो है DDA से फ्री होल्ड नहीं होता है। लेकिन इस केस में आप देखिए कि डिपार्टमेंट MCD ही कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो DDA से फ्री होल्ड करा के जगह दे रही है और 90 साल के लिए जो है जगह को दिया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार का मामला है, एक बड़ा करोड़ों रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। MCD के अधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सब के सब जो है इसके अंदर मिले हुए हैं। इस ज़मीन को, स्कूल की ज़मीन को, बच्चों को जहाँ से शिक्षा मिलनी चाहिए उसको बेच रहे हैं। एक जगह उन्होंने स्कूल को बंद कराकर बेच रहे हैं और एक जगह पे चलते हुए स्कूल में जगह निकाल कर, चलते हुए स्कूल से बच्चों की जगह छीन कर उसको जो है पार्किंग के लिए दी जा रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है और
इसके अंदर हमने एक बड़ी तैयारी की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारे को अपनी क्षेत्र से बड़ा सहयोग मिल रहा है लोगों से इस मामले के अंदर। ये मेरे पास कुछ 8-10 RWAs के लेटर्स हैं। करोलबाग की ज़्यादातर RWAs इस मामले में हमारे साथ हैं। उन सबका ये कहना है कि स्कूलों को ख़त्म करके पार्किंग को बनाया जाना ये सरासर गलत है। हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को घनी आबादी होने की वजह से नए स्कूलों की ज़रूरत है और स्कूलों की ज़रूरत है। ऐसे में अगर हम पार्किंग जैसी चीज़ के लिए स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं तो उसका क्षेत्र की जनता और RWAs जो है विरोध कर रही है। उन्होंने हमें अपना पत्र दिया है और ये सारी RWAs इन्होंने कहा है कि हम, वो खुद भी सभी अथॉरिटीज़ को लेटर लिख रही हैं कि MCD के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और इसको रोका जाए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 81।